कानून तोड़ने का डबल क्रेज, शराबबंदी की उड़ाई गई धज्जियां, फिर छापेमारी टीम पर बोला हमला, तस्कर गैंग हुआ फरार। शराब तस्करी और बिक्री की गुप्त सूचना मिलने पर छापेमारी में की गई कटिहार और पूर्णिया उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम पर शराब तस्करों ने हमला बोल दिया। हमले में कटिहार में तैनात उत्पाद विभाग का सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। कांस्टेबल का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि उत्पाद विभाग की दो गाड़ियों के शीशे शराब तस्करों के द्वारा तोड़ दिए गए हैं। जवानों के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी आमिर जावेद ने मामले की जांच पड़ताल कर अलग से मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज को सौंपी है। घटना की पुष्टि करते हुए उत्पाद अधीक्षक दीन बंधु कुमार ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि सदर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग पुरानी सिनेमा हॉल स्थित महादलित टोला और जनता चौक स्थित झील टोला में भारी मात्रा में शराब बनाकर रखी गई है। उन्होंने बताया कि कटिहार और पूर्णिया की टीम के द्वारा जैसे ही सदर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग पुराना सिनेमा हॉल महादलित टोला में जाकर छापेमारी अभियान शुरू किया गया। उसी समय गिरोह के राजेश प्रसाद यादव, गौतम मलिक, मीरा देवी, रोहित राम समेत दो दर्जन से अधिक लोगों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। हिरासत में लिए गए एक महिला और पुरुष को भी जबरन छुड़ा लिया। टीम ने बताया कि इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए और जवानों के साथ भी मारपीट की गई। बीच बचाव करने के लिए समाज सेवी अनिल राम के साथ शराब तस्करों ने मारपीट की। वहीं दूसरी ओर झील टोला में छापेमारी करने के दौरान शराब तस्करों ने विभाग के कांस्टेबल पर हमला बोल दिया। हमले में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर एसडीपीओ ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद अधीक्षक दीन बंधु कुमार ने बताया कि झील टोला से बिच्छू उराव और गुलाब बाग महादलित टोला से रोहित राम को भी गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। कानूनी संघ न्यूज के लिए पूर्णिया से ब्यूरो रिपोर्ट।